लोगों की धुनी करता था शुरू में, सब छोटे छोटे बच्चे ट्रांस में जाते थे। अभी भी मधुबन में हो, बाबा के पहाड़ी पर जाते छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे ट्रांस में जाते हैं बाबा की पहाड़ी मधुबन में, सुना ना, छोटे बच्चे स्कूल के आते हैं तो वहां बाबा के पहाड़ी पर ले जाते हैं, तो वहां योग करने बेटा बिठाते हैं, कितने बच्चे ट्रांस में जाते हैं। ऐसी पहाड़ी है, ऐसी बाबा की देन है। तो ऐसे बच्चे भी कोई निकलते हैं, बदनामी करते हैं, किसकी, भगवान का निंदक थोर ना पाए। वो पता चला उनको तो भगवान नहीं दिखाई देता था, उनको दादा ही दिखाई देता था। अभी कोई कहे दादा ही है, भगवान ही पता चलेगा किसी को, दिखाई देगा, अरे दादा के मनुष्य का चित्र रखा है, लेकिन ये कौन मनुष्य है। तभी आपको मैंने कल कहा था, स्वामी नारायण का एक गुरु था, तो उसने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा था बनारस में, पढ़ता था, तब मुझे ज्ञान सुना, अरे ब्रह्मा कुमारी का दिमाग ठीक नहीं, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, शिव भगवान है। तो मेरे मन में बहुत विचार था, मैं कैसे समझाऊं इनको, कैसे ठीक करूं। तो अभी 5-10 साल हो गया होगा, तो मिला, तो उसने कहा आप लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। हमने कहा हाँ स्वामी जी, हम तो छोटे बच्चे हैं, आप तो बड़े हो, पीएचडी किया आपने, आप स्वामीनारायण के गुरु हो, हमको सिखाओ, छोटे बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं, आप सिखाओ मुझे, ये गलत रास्ता है। हम कहते हैं गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आता है, ये हमारे भ्रम हो सकता है, गलत हो सकता है, आप दिखाओ मुझे, ये गलत है। तो मैं आऊंगा, हमने कहा आओ, खास आया, उनको ओम शांति भवन में सामने सामने बिठा दिया, और बाबा गुलजार दादी के तन में तक देखता बैठ गया, कहने लगा अरे मैंने जीवन गवाया, आज पता चला कि ये क्या चीज है। सुनता था मैं, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम, एक ही आंखों से एक ही कान से एक दफा सुनना भी है और देखना भी है। मैंने सुना और किसी का आवाज हो सकता है, मैंने देखा भ्रम हो सकता है, सुनना और देखना एक साथ होना चाहिए, तब सत्य क्या है। मैंने सुना मैंने देखा सत्य है, तब उसने इतना दिन सुना था देखा नहीं था, अब आके बैठ के अरे कैसे भगवान आता है, देखा तब कहा कि अब मुझे समझ में आया। तब 2-3 दफा आया उनके स्वामीनारायण को, नहीं तो स्त्रियों को देखते नहीं हो, तो भी हमको कॉन्फ्रेंस में बुला, उनके सिल्वर जुबली थी, तो मनुष्य रियलाइज करता है टाइम लगता है ना, समय आता है। हरेक को बाबा ने कहा, बाबा हरेक बच्चों की बुद्धि का ताला खुलेगा, खुलाएगा, समय लगता है, एक दिन में नहीं टाइम लगता है।